अटल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य पर चलाए जा रहे अभियान के तहत सोहर संधोल में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा सह प्रवक्ता नरेंद्र अत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों का अनुसरण करते हुए मात्र 3 वर्ष के कार्यकाल में करोड़ों लोगों के जीवन स्तर में सुधार करके उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि 3 वर्ष पहले तक यूपीए सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल में जो देश में निराशा का माहौल था, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम सीमा पर थी, पर मात्र 3 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के माहौल पर अंकुश लगाकर अपनी नीतियों के माध्यम से करोड़ों लोगों को लाभ देकर अच्छा माहौल पैदा किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल प्रभावशाली व उपलब्धिपूर्ण रहा है। देश में भ्रष्टाचार की संस्कृति पर अंकुश लगा है और उसको पोषित करने वाले लोग डरे व सहमे हुए हैं। इसी कारण भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, विकास दर में लगातार सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2014 को जो उपभोक्ता महंगाई 9.46% थी, वो अब मोदी सरकार के सक्षम एवं प्रभावशाली नेतृत्व के कारण कम होकर 31 मार्च 2017 को 3.81 रह गई है। औद्योगिक उत्पादन जो 31 मार्च 2014 तक 0.10% था, वो अब 31 मार्च 2017 तक बढ़कर 5.2% हो गया है। घरेलू उत्पाद विकास दर जो 31 मार्च 2014 को 6.7% था, वो अब 2017 में बढ़कर 7.10% हो गया है। विदेशी निवेश जो 31 मार्च 2014 को 24.2 बिलियन डॉलर था, 31 मार्च 2017 को बढ़कर 56.3 बिलियन डॉलर हो गया है। इसी तरह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना, जन धन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना आदि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश के करोड़ों जरूरतमंद लोगों को लाभ पहुंचाया है। इस मौके पर नरेंद्र अत्री ने अटल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा शुरू किए गए अभियान के तहत जहां एक तरफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन पर प्रकाश डाला है, वहीं नशा मुक्त खेल युक्त अभियान की भी विस्तृत जानकारी दी एवं युवाओं से आह्वान किया कि वे नशे से दूर रहकर खेत व खेल के मैदान में अपनी ऊर्जा का दोहन करें। इससे पहले बनोलगढ़ सोहर गांव में पहुंचने पर स्थानीय लोगों युवाओं ने नरेंद्र अत्री का फूल मलाए एवं ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। केंद्र की सत्ता पर काबिज मोदी सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल प्रभावशाली एवं उपलब्धियों से परिपूर्ण रहा है। 3 साल पहले जब इस देश के अंदर यूपीए की सरकार 10 वर्ष तक सत्ता में रही, तो उस दौरान पूरा देश भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी आदि समस्याओं से जूझ रहा था। पूरे देश के अंदर निराशा का माहौल था, परंतु जिस शानदार तरीके से देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने अपनी कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचाया, देश की आजादी के 70 वर्षों तक जिन लोगों की अनदेखी हुई थी, उन लोगों को सबसे पहले उनके कल्याण के लिए नीतियां बनी, उससे न केवल भारत की छवि पूरे विश्व में मजबूत हुई, बल्कि आम जनमानस का भी देश की व्यवस्था में, देश की राजनीति में विश्वास बढ़ा। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले 4.5 वर्षों से सत्ता पर काबिज रहने वाली कांग्रेस सरकार, जिसने अपने चुनावी वायदों को भूलकर 4.5 वर्ष का जो कार्यकाल है, मात्र अपने राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करने में, उन पर झूठे केस बनाने में और अपने कुछ चहेतों को लाभ पहुंचाने में व्यतीत कर दिए, उससे प्रदेश काम जनमानस खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और इंतजार कर रहा है कब प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो और इस धोखेबाज सरकार को सत्ता से बाहर किया जाए। वहीं दूसरी तरफ मेटल वेलफेयर सोसाइटी को बधाई दूंगा जो इन्होंने अपना नशा मुक्त खेल युक्त समाज अभियान के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर यह अभियान चलाया है, जिसमें जहां एक तरफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन पर प्रकाश डाला जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है कि वो नशे से दूर रहकर खेल के मैदान में अपना दिन का कुछ समय व्यतीत करें, ताकि
वो शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत हों और आने वाले समय में जो जीवन में जिन चुनौतियों का उनको सामना करना है उन चुनौतियों का सामना करने के लिए वो तैयार हों।